एक बार फिर ले चलते हैं आपको भरतपुर की खबर की ओर, जहां पर पट्टे के नाम पर की जा रही है अवैध वसूली। राज्य सरकार की योजना प्रशासन शहरों के संग अभियान एवं अब तक राज्य सरकार के लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं। बेर नगर पालिका है जो सिर्फ आम नागरिकों को पट्टे जारी करने के नाम पर मोटी रकम वसूलने में लगे हुए हैं। अगर हम बात करें भरतपुर की, तो ये नगर पालिका बेर में प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा लगाए गए नगर मित्र पट्टों की पत्रावली जो कि प्राति समय एवं खर्चे पर तैयार कराकर कैंपों में जमा करा रहे। नगर पालिका प्रशासन द्वारा आम नागरिकों से मोटी रकम 1770 रुपये व 300 बरगज से अधिक पर बरगज के हिसाब से फैलाकर रुपये ऐंठने में लगे हुए हैं। हम बात करें भरतपुर की बैर नगर पालिका की, यहाँ पर ऐसी मनमानी घटनाएं देखने को मिल रही है। प्रशासन शहरों के संघ अभियान में नगर पालिका में जो एनजीओ नियुक्त किए गए हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। फॉर्म भरने के, ऑनलाइन करने के 1770 रुपये की रसीद काटी जा रही है, जो कि रसीद भी ऑफिशियल नहीं है। बाज़ार से खरीद करके रसीद बुक खरीद ली गई है और उसको काट के दिया जा रहा है, और उसमें भी GST 250 रुपये वसूल किए जा रहे हैं, जबकि GST नंबर उनका है ही नहीं। तो इस तरह की धांधली नगर पालिका वेयर में की जा रही है। मैंने 69 में अपने मकान का पट्टा लेने के लिए फाइल लगाई है, फाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने खुद ने तैयार किए हैं और वो वहाँ जमा कराए हैं। मुझसे भी 1770 रुपये ले लिए गए हैं और उनकी एक बाज़ार से खरीदी गई रसीद बुक में एक रसीद काट के दे दी गई है, उसमें NGO की मोहर है और उसमें 250 रुपये GST अंकित है, जबकि GST नंबर इनका है ही नहीं। जबकि प्रशासन शहर के संघ इस तरह की व्यवस्था नहीं है, फिर ये कैंप लगाने का मतलब ही क्या है, जब इतनी अदालतों वसूली की जा रही है जो कि गलत है। कृपया प्रशासन तक, उच्च अधिकारियों तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए और ये पैसे वापस होने चाहिए। मैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, निवासी कस्बा वेर क्रोस मोहल्ला वार्ड नंबर 6, जो कि मैं अपने मकान का स्टेट ग्रांट का पट्टा ले रहा था, उसमें जो NGO वाले DLU वाले जयपुर से आए हैं, उन्होंने 1770 रुपये की रसीद काटने को कहा, जो कि बिल्कुल अनुचित है। और रसीद में भी वो GST दिखा रहे थे, और जब GST के बारे में हमने पूछा तो कह रहे थे ये तो देने पड़ेंगे आपको 1770 रुपये। फिर नगर पालिका वालों की बात की तो उन्होंने कहा था 10,000 रुपये की तो हमारी रसीद कटेगी और 2,000 रुपये हमारी विज्ञप्ति के आपको देने पड़ेंगे जब आपको स्टेट ग्रांट का पट्टा दिया जाएगा। वैसे हम स्टेट ग्रांट का पट्टा सिर्फ क्या तो BPL वालों को दे रहे हैं या जो निहायत गरीब है उसको 1 रुपये में पट्टा दे रहे हैं, जो कि ये बिल्कुल अनुचित है।